हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। चहल एकेडमी सभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक स्पेशल यूट्यूब सीरीज लेकर आया है, जो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा आसान और सब्सटेंशियल बना देगा। आज का जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज नॉट अ टॉपिक इन इटसेल्फ, दैट द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं और उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो डिस्कस करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। तो अगर देखा जाए इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं। अगर हमें पता है, जैसे पूरी दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज को एग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच में उन्हें रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं, और इन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक अलग से डिसिप्लिन बना दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन मतलब कि सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। जो सेकंड चीज मुझे डिस्कस करनी है इसके अंदर, दैट इज What is the importance? जरूरत क्या है मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की, कहां कहां काम आता है इंटरनेशनल रिलेशंस और कौन कौन से इश्यूज को रिजोल्व करता है। अदर देन दैट, इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आने वाले फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, हम कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल कंट्रीज को एग्जिस्ट कर रही हैं, हर कंट्री के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जब हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने की कोशिश करेगी, तो ये काफी स्वाभाविक है कि उनके बीच में थोड़े बहुत टसल्स और कंफ्लिक्ट्स मुझे देखने को मिल जाएं। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, अगर मुझे इसे मैनेज करना है, तो उस मैनेजमेंट को, उस डिसिप्लिन को जिसके थ्रू ये इंटरेक्शन मैनेज किया जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या पर्सपेक्टिव देखे जा सकते हैं, कितने तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस देखे जा सकते हैं, किस किस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, वो हमें सबसे पहला देखने को मिल रहा है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, माने कि एक कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज में से जब दो कंट्री आपस में बायलेटरली रिलेशन मेंटेन करने की बात करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायलेटरल रिलेशंस। जैसे यहां आपको देखने को मिल रहा है इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ, इंडिया का रिलेशन नेपाल के साथ, इंडिया का रिलेशन श्रीलंका के साथ, यूएस के साथ, यूएई के साथ, सऊदी के साथ। ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये जो टू लेवल पे, द्विपक्षीय लेवल पे जो बातचीत हो रही है, उसे भी हम बोलते हैं बायलेटरल रिलेशंस। जो नेक्स्ट टाइप का रिलेशंस मुझे देखने को मिल रहा है, ग्रुपिंग्स देखने को मिल रही है, दैट इज मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स। इसमें मुझे मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, जब कुछ कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंट्रीज, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ग्रुपिंग। इसमें यहां जो मुझे सबसे पहला एग्जांपल देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मुझे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1994 में थ्रू द यूरोपीय राउंड्स ऑफ टॉक्स। इसका मेजर काम क्या है, देखिए मल्टीपल कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ कंट्रीज डेवलपिंग हैं। अगर इस ट्रेड को रेगुलेट ना किया जाए, अगर ये ध्यान ना दिया जाए कि ये ट्रेड जो है वो कॉम्पिटिटिव तरीके से चलता रहे, किसी को ज्यादा फायदा और किसी को ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, तो इस चीज के रेगुलेशन के लिए जो हमारे पास एक मल्टीलेटरल बॉडी है, उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड मल्टीलेटरल बॉडी मुझे देखने को मिल रही है, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है जो 1945 में एस्टैब्लिश किया गया। इसका मेजर मोटिव और इसका मेजर फोकस रहता है टू मेंटेन या टू एस्टैब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टेबल रह सके, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, अगर वहां फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले जो लोन देने के लिए आगे आती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल जो मुझे दिख रहे हैं थर्ड पॉइंट में, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2008-2009। बेसिकली इट वाज द अपोजिशन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेंस, जैसा हमें देखने को मिल रहा है यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें डोमिनेट करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूएस। तो लेकिन दीज कंट्रीज, दीज ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्मड इन 1945, तब से लेकर अब तक काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ चुके हैं, काफी कंट्रीज की रेलेवेंस बढ़ चुकी है, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो ऐसे टाइम पे हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जब नहीं मिल रहा है, तो उसके अपोजिशन में हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू करती हैं, जिन्हें हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जैसे कि हमें एक ब्रिक्स देखने को मिल रहा है, अदर देन दैट हमें एससीओ देखने को मिल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया और पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, रशिया भी इसका पार्ट है। तो ये 2001 में स्टार्ट की गई थी और एक काफी हद तक वेस्टर्न डोमिनेंस को अपोज करने के लिए ही बनाई गई है। उसके अलावा मुझे सार्क देखने को मिल रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक रीजनल फोरम है साउथ एशिया का, जिसमें 8 मेंबर्स ऑफ साउथ एशिया आपको देखने को मिलते हैं। यहां इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो रीजनल पर्सपेक्टिव से होता है, रीजनल ग्रोथ के लिए होता है। तो कंट्रीज जो है वो इंडिविजुअल ग्रोथ पे ना ध्यान देते हुए किस पे करती हैं, कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स पे ध्यान दे रही हैं, जिससे वो पूरे रीजन को ग्रो करवा सके। अदर देन दैट,
बायलेटरल हो गया, मल्टीलेटरल हो गया, जो थर्ड हमें देखने को मिल रहा है दैट इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब मल्टीलेटरल में कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो अपने ग्रुपिंग बना ले रही हैं। जब मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं तो इट इज नॉट रिगार्डिंग द रीजन और एनी मल्टीपल और किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। वो पूरा ग्लोबली जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास एग्जांपल है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया। अदर देन दैट हमें वर्ल्ड बैंक देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो दी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। इसका काम क्या किया गया था? जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी तो काफी ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की नीड थी, तो उस टाइम पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जो बैंक बनाया गया उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। आज की तारीख में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं तो वर्ल्ड बैंक वहां उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। थर्ड जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है दैट इज रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन इज नथिंग बट अ कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। 1971 ऑन 2 फरवरी एक कन्वेंशन साइन किया गया फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन, जिसे हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। रामसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां ये कन्वेंशन साइन किया गया था वो जगह एक ईरान में है और उस जगह का नाम है रामसर। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जरूरी क्यों है हमारे लिए, अगर इनके बिना दुनिया में काम कैसे नहीं चलेगा, क्यों कैओटिक हो जाएगी, वो देखना है हमें। जैसे कि आपको पता है ट्रेड जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब ट्रेड की बात की जा रही है तो मल्टीपल कंट्रीज जो बायलेटरल कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया यूएस। अदर देन दैट हम मल्टीलेटरल ब्लॉक्स के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया का ईयू के साथ चल रहा है, इंडिया का एशियान के साथ चल रहा है, या एशियान का ईयू के साथ चल रहा है। तो ये बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल ट्रेड को बैलेंस बनाने के लिए और रेगुलेट करने के लिए और एक कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए हम इंटरनेशनल रिलेशंस को जरूरी और इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे बोला मल्टीपल कंट्रीज को एग्जिस्ट कर रही हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और जब सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी स्वाभाविक और ऑब्वियस है कि उनके बीच में कंफ्लिक्ट्स आएंगे, टसल्स आएंगी। तो ऐसे कंफ्लिक्ट्स और टसल्स को रिजॉल्व करने के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदर देन दैट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें इंडिविजुअल कंट्रीज रिजॉल्व नहीं कर सकती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि पॉवर्टी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे चल रही है ग्लोबल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल पॉवर्टी। तो ऐसे टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव एफर्ट देखना चाहिए आपको फ्रॉम द वर्ल्ड इटसेल्फ। सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देंगी तभी इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पे जब ये कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव एफर्ट्स की बात की जा रही है फॉर द टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, एड्स, जेंडर इक्वालिटी, तो ऐसे समय पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस वीडियो के अंदर हमें जो आने वाली सीरीज है उसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी होता क्या है। इसके अंदर हम ये बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी एक वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल रिलेशंस बना के रख रहे हो, तो उस मैकेनिज्म को रन करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई जा रही है उसे हम फॉरेन पॉलिसी बोल रहे हैं। सेकंड पे हमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1961। दिस टाइम पे वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। उस टाइम पे कुछ कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रन करेंगे सो दैट हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा जा सके। उसी मूवमेंट को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस मूवमेंट। अदर देन दैट जो थर्ड नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है वो है कुछ इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी जो हमें डिस्कस करनी है इसके अंदर, जैसे पंचशील एग्रीमेंट जो इंडिया चाइना में साइन किया गया था 1954, उसके बारे में हमें पढ़ना है आगे आने वाले वीडियोस में। गुजराल डॉक्ट्रीन जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे 1996 के अंदर आई के गुजराल, उन्होंने एक डॉक्ट्रीन दी थी जो नेबरहुड पॉलिसीज, जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप मुझे मेंटेन करने हैं वो इस डॉक्ट्रीन पे चलाया गया, इसको हमें डिस्कस करना है आने वाले वीडियोस में। अदर देन दैट जो बायलेटरल रिलेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर, उनके साथ हमें बायलेटरल कैसा रिलेशन चल रहा है, किस तरीके से हम अचीव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो इंटरनेशनल रिलेशंस मूव कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी मूव कर रही है, उसे भी हमें डिस्कस करना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान को हमें कवर करना है, इंडिया नेपाल को कवर करना है, इंडिया चाइना को कवर करना है, इंडिया श्रीलंका को, अदर देन दिस इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया भूटान, इंडिया यूएस, इंडिया एशियान, ऐसे कुछ बायलेटरल रिलेशंस को भी हम कवर करेंगे अपने आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। अदर उसके अलावा अगर देखने को मिलता है तो फिफ्थ नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 के बाद से हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, जिसमें हमने लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में हमारे काम आती है। सिमिलरली हमें लुक वेस्ट पॉलिसी देखने को मिल रही है जो कि वेस्ट एशियन रिलेशंस के साथ हमें मेंटेन, वेस्ट एशियन रिलेशंस हमें कैसे मेंटेन करने हैं उससे रिलेटेड काम करती है। 2005 में ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, आप आज की डेट में इसे काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है, आज की डेट में इसे थिंक वेस्ट पॉलिसी बोला जाता है। मल्टीलेटरल रिलेशंस को डिस्कस करना है, जैसे एससीओ के साथ हमारा क्या रोल है, एससीओ हमारे
कितना रेलेवेंट है, किस काम आ सकता है, हम उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था, WTO के बारे में डिस्कस करेंगे, और सार्क जैसी जैसी रीजनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। अदर देन दैट, मरकोसार के साथ क्वैड जैसे ग्रुपिंग बनती हुई दिखती है आपको, जैसे आपको वेस्टर्न क्वैड देखने को मिल रहा है, या फिर I2U2 देखने को मिल रहा है इन द मिडिल ईस्ट, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ऐसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को हम के साथ हम रिलेशन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। उसके अलावा जो लास्ट में हमारा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इन दी फर्दर वीडियोस, वो है हमारे पास जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं और उसकी कुछ बॉडीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, और ऐसी ही अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशन में, उन सब चीजों को हमें आने वाले वीडियो में कवर करना है। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू चहल अकेडमी।